कौन हो तुम और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? चुप करके बैठ जा, नहीं तो ये ना हो कि तेरी यही जान निकाल दे और ये मोबाइल इधर ला। ओ ये बातें बाद में करी, पहले यहाँ से निकलो। शेरू गाली बगा। भाई मेरा कसूर क्या है, मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हो? कसूर भी तेरा, तुझे बताते हैं, पहले ये मोबाइल पकड़ और घर कॉल करके 50,000 रुपया मंगवा। फिर ये ना हो हमें तेरे साथ कुछ बुरा करना पड़ जाए। भाई मेरे साथ कुछ ऐसा ना करना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मंगवाता हूँ पैसे। हाँ जल्दी मंगवा पैसे। जी जी भाई मंगवा रहा हूँ पैसे। अबे ओए पुलिस को कॉल करता है, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। लगता है बिलोटी, इसको नहर में फेंकना पड़ेगा तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। खुदारा भाई मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे मोबाइल दे, मैं पैसे मंगवाता हूँ। अब भाई ना अकल ठिकाने, ये मोबाइल पकड़, अब 50 नहीं पूरा 70,000 रुपया मंगवा। और अगर 70,000 रुपया ना आया तो तेरे साथ वो होगा जो तूने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। और इस बात का ध्यान रखना, किसी को कानो कान खबर ना हो कि ये पैसे तुम किस लिए मंगवा रहे हो। मैं जानता हूँ भाई, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा, मैं मंगवाता हूँ पैसे। हेलो मामू, मैं लाहौर हॉस्पिटल में आया हूँ, मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप ऐसा करें मेरे जैज कैश अकाउंट में 70,000 रुपया भेज दें, जल्दी जरा। जी भांजे मैं अभी भेजता हूँ, आप परेशान ना हो। जी ठीक है, आ जाते हैं भाई अभी पैसे। बिलोटी देखा ऐसे आता है ऊंट पहाड़ के नीचे। भाई ये देखें जितनी रकम आपने बोली थी वो आ गए हैं, अब खुदारा मुझे जाने दें। हाँ हाँ जाने भी देते हैं, बिलोटी ये मोबाइल पकड़ और अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर ले। अच्छा मैं करता हूँ। शेरू अपना ठिकाना आ गया, गाड़ी रोक। खुदारा मुझे माफ कर दो, मेरा कसूर ही क्या है तुम? हाँ मैं, कुछ याद आया कल उस्ताद, मैंने तुम्हें बोला था ना कि जब हमारी अगली मुलाकात होगी तो वो तुम्हें हमेशा याद रहेगी। वाकई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लो जी भाई जी, आपकी गाड़ी की सारी रपटे लगा दी हैं, अब कहीं से खड़का वड़का नहीं आएगा, बेफिक्र हो जाओ, याद रखोगे कल उस्ताद को। अच्छा भाई ये तो बढ़िया हो गया, आप मुझे ये बताएं आपके काम के कितने पैसे हो गए? अरे भाई दिखने में तो आप भले इंसान लग रहे हो, वैसे तो 25,000 बनता है, आप 22,000 देते हैं। 22,000? तेरा दिमाग तो ठीक है, तूने इसके अंदर सोने की रपटे लगाई है लेदर की, जिसका तुम मुझसे 22,000 रुपए मांग रहा है। अरे भाई क्यों गरीब का हक खा रहे हो, 25,000 का काम था, 22,000 रुपए मांगा है आपसे। ओ बस तो बस, तुम जैसे बेईमान मैकेनिकों को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, ये पकड़ो 5,000 रुपए, इससे ऊपर मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। ये तुम अपने पास रखो, और तुम कालू उस्ताद को नहीं जानते, जब 22,000 जेब में हो तो गाड़ी ले जाना। कार तुम ज्यादती रहे हो पर शायद तुम मुझे जानते नहीं हो, ये पकड़ो 22,000 और अगली मुलाकात हमारी उस जगह होगी जो तुम हमेशा याद रखोगे। आज तक कोई कालू उस्ताद का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो ये किस खेत की मूली है, देखा 1,000 के काम के 22,000 रुपए ले लिए। ये तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिली है, और मैंने तुम्हारे साथ जरा भी ज्यादती नहीं की, ये जो सब कुछ मैंने किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया है, ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो सके कि हर इंसान एक सा नहीं होता, कोई अपना हक छोड़ देता है और किसी को अपना हक लेना अच्छे से आता है। देखो भाई मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैं अपने रब को हाजिर नाजिर रख कर ये अहद करता हूँ कि मैं आइंदा किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। मैं भी आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एहसास करवाना था, वो आपको हो गया। आरिफ जी भाई, जो आपने इनसे मोबाइल और कैश लिया है वो मुझे दो। भाई ये इनका मोबाइल और जो इन्होंने कैश मंगवाई थी वो इनके अकाउंट के अंदर ही है। काल उस्ताद ये आपकी अमानत, और अब मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि आप आइंदा कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल भाई, हमेशा रिज़्क़ हलाल कमाओ और किसी के साथ ज्यादती ना करो, क्योंकि आज का दौर वो है कि कोई किसी की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करता। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर कीजिए, शुक्रिया।